नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी टेक इनफो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने पीसी या लैपटॉप से हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाकर कैसे निकाल सकते हैं। लगभग आजकल सभी के घरों में पीसी या लैपटॉप होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में प्रिंटर नहीं होता, बहुत सारे लोगों के घर में प्रिंटर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में प्रिंटर है लेकिन उन्हें पासपोर्ट साइज फोटो बनाना नहीं आता। उनको पासपोर्ट साइज फोटो अगर चाहिए तो उसके लिए बाजार जाना पड़ता है, जहां पर उनका पैसा और समय दोनों ही नष्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ ही देर में यानी कि कुछ ही मिनटों में आप पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, वो भी 49 पीसेस। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं पता कि पीसी या लैपटॉप में फोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि पासपोर्ट साइज फोटो के बैकग्राउंड को कुछ ही देर में बहुत ही स्मूथली बहुत प्यारे तरीके से कैसे चेंज करते हैं, जिसके द्वारा आपको लगेगा ही नहीं कि यार इसका बैकग्राउंड चेंज किया गया, बिल्कुल जेन्युइन लगेगा। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटोशॉप का फर्स्ट इंटरफेस। यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि यहाँ पर उस फोटो को इंपोर्ट करा लेना है जिस फोटो में से हमें पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है। तो चलिए यहाँ पर खाली स्क्रीन पर कहीं भी दो बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फोटो डाला हुआ है, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपका किसी और ड्राइव में है तो यहाँ पर क्लिक करके उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली फोटो को सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने इस फोटो को ओपन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये रोटेट भी हो रहा है। तो सबसे पहले इस फोटो को सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर इमेज में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रोटेट कैनवास, यहाँ पर आपको जाना है 90 डिग्री में और इस पर क्लिक कर देना है लेफ्ट। जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे आपका फोटो एकदम सीधा हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो को फुल स्क्रीन पर कर देना है। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन आ गया। इसके बाद आपको कंट्रोल माइनस दबाना है, जिसे हम अंडरस्कोर वगैरह भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको मिनिमाइज कर लिया है, आप जूम इन जूम आउट भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें क्रॉप टूल पे जाना है। यहाँ पर क्रॉप टूल में जाने के बाद हमें यहाँ फोटो की विड्थ डालनी है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 2.5। इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी हाइट डालनी है, तो ये डालेंगे 3.5। और इसके बाद इसका रेजुलेशन हमें कर देना है 300, तो यहाँ पर हमने रेजुलेशन कर दिया 300। इसके बाद सिंपली इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस फोटो को खींचेंगे जहां तक हमें फोटो क्रॉप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोटो को सेलेक्ट करके खींच दिया है, यहाँ तक मुझे यहाँ तक चाहिए अपने पासपोर्ट साइज फोटो में ये। तो ये सेलेक्ट हो गया, सिंपली आपको एंटर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर एंटर पे क्लिक कर दिया और हमारा जो फोटो है वो सही साइज में क्रॉप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस करके आप इसे जूम कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जूम का टूल लेकर भी आप इसे जूम कर सकते हैं। तो मैं इस फोटो को थोड़ा सा यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ, यानी कि फिट टू स्क्रीन यहाँ पर कर लूंगा, ये यहाँ पर आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक नई शीट ओपन करनी है जिसमें हमें फोटो निकालने हैं। तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे, तो न्यू पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज है वो यहाँ पर सेलेक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें क्या करना है, ज्यादातर जो प्रिंटर का पेपर साइज होता है वो A4 होता है, तो हमें यहाँ पर A4 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर चलेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं A4 साइज है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और इसको सिंपली ओके कर दीजिए। तो जैसे हमने ओके किया, यहाँ पर हमारा जो साइज है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मूव टूल है, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आके कंट्रोल के साथ इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर आपको छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर इसको कंट्रोल के साथ उठा के यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये फोटो यहाँ पर आ गया है, अब इसको कर देते हैं मिनिमाइज। अब हमें इस शीट पे इस फोटो को सेट करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्केल की जरूरत होगी, तो कंट्रोल आर कर लेते हैं हम यहाँ पे। और जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल आर करेंगे, यहाँ पर जो हमारा स्केल है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर एक बार राइट क्लिक करना है और यहाँ बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको खींच के स्केल को थोड़ा यहाँ पे ले आना है और इधर से भी खींच के स्केल को थोड़ा सा यहाँ पे ले आना है। दोनों स्केलों को खींचने के बाद हमें फोटो को सेट करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, फोटो को इधर उधर ना जाकर ये ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके लेयर पे क्लिक कर लीजिए और इसको यहाँ से उठा के कोने में ले जाइए। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पर खींच रहा है फोटो को, तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, एल्ट के साथ हमें इसको फोटो को यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके खींचना है, तो यहाँ पर कॉपी इसकी बन जाएगी। फिर से छोड़ देना है इसको और फिर से एल्ट को प्रेस करना है, साथ में माउस की को भी प्रेस करके इसको यहाँ पे खींच देना है। ऐसे ही करके हमें यहाँ पर 6 इमेज बना लेनी है टोटल, यहाँ पर जितनी भी आप बनाना चाहें या फिर वो सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सेट कर देता हूँ एल्ट के साथ।
माउस की की है लेफ्ट वाली, तो यहाँ पर एक फोटो और आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो फोटो हैं, सात फोटो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम नीचे की सीट भी तैयार करना चाहते हैं तो अगर हम इसे यहाँ से उठाएंगे तो एक फोटो आएगा, इसे वापस कर देते कंट्रोल जेड करके, या फिर अगर हम इसे राइट सेलेक्ट करने के बाद ही एल्ट के साथ उठाएंगे तो केवल एक फोटो की कॉपी ही नीचे आएगी। हमें एक साथ ये फोटो उठाने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फोटो पे लेफ्ट क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ कर देना है ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जितनी बार फोटो पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद कंट्रोल ई दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है, फोटो की लेयर है, ये कम होती जाएंगी और एक ही लेयर में जुड़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और कंट्रोल ई दबाऊंगा, फिर दूसरे फोटो पे लेफ्ट क्लिक कर दिया है कंट्रोल ई दबाऊंगा, तीसरे फोटो पे लेफ्ट क्लिक कर दिया है कंट्रोल ई दबाऊंगा, चौथे फोटो पे भी लेफ्ट क्लिक कर दिया है कंट्रोल ई, पांचवें पे कंट्रोल ई और छठे पर भी कंट्रोल ई। तो हमारे जो सारे के सारे फोटो हैं कंबाइंड हो चुके हैं, यानी कि एक जगह जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक ही सीट रह गई है। इसके बाद सिंपली आपको वही करना है, एल्ट के साथ यहाँ से इसे उठाना है सीट को और नीचे सेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेट कर दिया है, अब इसको उठाना और भी ज्यादा आसान हो गया है। इसी के साथ दोबारा से इसको ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर भी हमने इसे कर दिया है, देखिए। इसके बाद फिर से, और इसके बाद इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर से ये यहाँ पे हो गया है, और इसके बाद फिर से यहाँ पे, और हमें अभी एक बार और इसे सेट कर देना है यहाँ पर। तो हमने अपनी सीट पूरी की पूरी तैयार कर ली है। अब कंट्रोल आर वापस से कर देते हैं तो हमारी जो सीट है पूरी यहाँ पर आप तैयार देख सकते हैं, और इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पासपोर्ट साइज फोटो की पूरी सीट बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। अब आप कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप अपनी गैलरी में भी इसे सेव कर सकते हैं। और मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल हिंदी टेक इन्फो पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।